नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अब तक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षक लगातार कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। आर्थिक रूप से वह काफी ज्यादा परेशान है और अपने परिवार का पालन पोषण वर्तमान में नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां हर शैक्षणिक सत्र में की जाती हैं। अप्रैल में उनको सेवा से बाहर कर दिया जाता है। वर्तमान में अतिथि शिक्षक सेवा से बाहर हैं, लेकिन उनको मार्च से लेके अब तक का मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। यदि गर्मी में लगातार वह उच्च अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन इन अतिथि शिक्षकों की कोई भी सुनवाई कहीं पर नहीं हो रही है। लोक शिक्षण की तरफ से अतिथि शिक्षकों के लिए कोई भी निर्देश मानदेय संबंधी जारी नहीं किया गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस समय घोषणा की थी कि अतिथि शिक्षकों को 12 महीने का मानदेय की राशि भुगतान किया जाएगा, लेकिन 12 महीने के एवज में भुगतान तो नहीं किया गया, उल्टा इनको मार्च से अब तक का मानदेय वेतन का भुगतान ही नहीं किया गया। चलिए कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। एक तरफ मई जून जुलाई का मानदेय के लिए अतिथि शिक्षक जहाँ मांग कर रहे थे, वहीं उनके पिछले कई महीनों के मानदेय का भुगतान लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से नहीं किया जा रहा, अत्यंत दयनीय स्थिति है। वीडियो को ज्यादा शेयर करें। अतिथि शिक्षकों का मार्च अप्रैल का मानदेय अटका हुआ है और यह मानदेय लंबे समय से अटका है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के करीब 72,000 से अधिक अतिथि शिक्षक काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। भोपाल से अपडेट है। सरकारी स्कूलों में अल्प मानदेय पर साल भर तक अपनी सेवाएं देने वाले प्रदेश के 72,500 अतिथि शिक्षकों को मार्च अप्रैल 2024 का वेतन नहीं मिला हुआ है, जिससे इन अतिथि शिक्षकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने बताया है कि हमेशा की तरह इस बार भी इन अतिथि शिक्षकों को मार्च अप्रैल का मानदेय नहीं मिला है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिमाह भुगतान की घोषणा भी सरकार ने पूरी नहीं की है। वहीं उल्लेखनीय है कि अतिथि शिक्षकों को अल्प मानदेय दिया जाता है, इसके बावजूद भी इनको 2 से 3 माह तक का भुगतान नहीं होने से इन अतिथि शिक्षकों पर आर्थिक संकट आ गया है। वहीं मार्च से अप्रैल तक का वेतन की प्रतीक्षा कर रहे अतिथि शिक्षक अप्रैल माह में पिछले शिक्षण सत्र पूर्ण होने के साथ ही मई जून में 2 माह के लिए बेरोजगार हो गए हैं। दरअसल पूरी तरह अस्थायी तौर पर स्कूलों में अपनी सेवाएं देने वाले इन अतिथि शिक्षकों को शिक्षा सत्र पूरा होने के साथ ही हटा दिया जाता है। वहीं मई जून में स्कूल बंद होने के दौरान इन अतिथि शिक्षकों को भी किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है, लेकिन जो वेतन इनको अप्रैल में सेवा समाप्ति के समय ही मिल जाना चाहिए, उसके लिए भी 3 महीने करीब यहां पर हो रहे हैं और अभी तक इनको वेतन का मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। तो मार्च और अप्रैल का मानदेय और मई जून का मानदेय के लिए अतिथि शिक्षकों के संगठनों के द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों से भी संपर्क किया गया है, लेकिन